ये देखें, आपके सामने ड्रिल मौजूद है। ये है हमारी गाड़ी, इसको उठा रही है लिंकों की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि आप ड्रिल तैयार करें, तो आज हम ड्रिल तैयार कर रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं कि इसको कैसे तैयार करना है। ये प्लाई होती है, फर्नीचर वाली दुकान से आपको मिल जाएगी, गत्ता गत्ते की शक्ल में। ये उसकी छोटी छोटी पट्टियाँ आपने कर लेनी है, जैसे आप वीडियोज़ में देख रहे हैं, दो लंबी और दो छोटी। ये हम फ्रेम तैयार कर रहे हैं ड्रिल का, इनको एल्फ की मदद से जोड़ देना है अच्छी तरह से, ताकि ये टूटे ना। एल्फी इसी तरह से लगानी है, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एल्फी लगानी है। ये देखें, इस तरह आपने एल्फी लगा लेनी है इसके जोड़ों पर, और मज़ीद आप देखते जाएं। ये देखें ड्रिल तैयार कर रहे हैं। अब हम ड्रिल का जो ऊपर वाला टापा होता है, जिसमें हम बीज वगैरह डालते हैं, वो तैयार कर रहे हैं। ये देखें, एक चिपटी को आपने चार सुराख कर लेने हैं बराबर फासले पर, और दूसरी चिपटी को इस तरह आपने साथ लगा लेना है, अच्छी तरह एल्फी लगा लेनी है। आपने अब इसकी लेवल चेक कर लेनी है, ये टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी हो ऊपर, और दूसरी तरफ दूसरी लगा लेनी है। ये देखें, आपको समझ आ रही हो कि ये टापा तैयार हो रहा है एक डब्बे की शक्ल में, और इसको भी एल्फी लगा लेनी है, और इसकी भी लेवल चेक कर लेनी है, ये टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी हो। ये अच्छी तरह अंदर बाहर से एल्फी लगा लेनी है इसे, ताकि फिर टूट ना जाए। ये देखें, इस तरह एल्फी की कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, ताकि फिर टूट ही ना जाना सारा काम। ये इसकी साइडों पर भी छोटी छोटी चिपटियां लगा लेनी है, जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हैं। ये देखें, ये ऊपर वाला ढक्कन है टापे का, इसको एक छोटे से कब्जे की मदद से आपने जोड़ देना है। ये कब्ज़ा आपको आयरन स्टोर से या किसी भी दरवाजे वाली दुकानों से मिल जाएंगे, बिल्कुल छोटा ही कब्ज़ा है। इसको देखें, अच्छी तरह लगा लेना। ये देखें, ये ऊपर वाला टापा तैयार हो गया। ये देखें, फ्रेम है, इसको अच्छी तरह देख लेना। जो नीचे वाला फ्रेम हमने शुरू में बनाया था, इसके दरमियान में भी दो लरें लगा लेनी है, जैसे एक मेन ड्रिल की होती हैं। और ये हम ड्रिल के लगाएंगे पहिए, जिसकी मदद से वो ड्रिल चलती है। आपको पता होगा, जो कि देहाती लोग हैं उनको तो सारा कुछ का पता है। ये देखें, ये छोटे छोटे दो नक्के बनाकर दोनों साइडों पर, और इनके अंदर ये टायर लगा लेना है। ये भी किसी छोटे ट्रैक्टर वगैरह का, कुछ छोटे खिलौने वगैरह का टायर है। और इसी तरह दूसरी तरफ भी इसी तरह आपने लगा लेना है। ये देखें, ये दूसरी तरफ है। ये देखें, ये वगैरह नक्का ऊपर लगा लेना है, और किसी आपको जैसे तरीका अच्छा लगे। ये देखें, हमारा फ्रेम तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे टापा। ये टापा देख लें, इसके साइड को लरें लगेगी, और इसका टायरों और टापे का फासला आपने चेक कर लेना है। और ये देखें, टापे के नीचे एक राड लगा लेना सीधा सा। ये देखें, टापा ऊपर फिट हो गया। मज़ीद आप जब बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ही आसानी लगेगी, अब शायद आपको मुश्किल लग रही होगी। ये टापे के नीचे देखें, राड भी है, और आप जब बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा सारा का। अब शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जूँ जूँ आप बनाएंगे तो आपको आसानी लगता जाएगा। ये देखें, कोड लगाने हैं नीचे चार बराबर फासले पर, चार कोड लगा लेने हैं। हम इसको चार कोड ही लगा रहे हैं, बाकी ज़्यादा ही लगा सकते थे, लेकिन चार ठीक है, ताकि फिर ट्रैक्टर आसानी से चल सके। ये देखें, तीसरा कोड लगा रहे हैं। ये देखें, ये तीसरा कोड लगा रहे हैं। इसको बिल्कुल सीधा ही लगाना है, टेढ़ा ना हो, फिर वो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और गाड़ी पर दबाव डालेगा। ये चौथा कोड है, इसको बिल्कुल सीधा लगा लेना है, ताकि ये फिर बुरा नज़र ना आए, अगर सीधा होगा तो खूबसूरत नज़र आएगा। ये देखें, एल्फी अच्छी सी करके लगानी है, ताकि ये फिर टूट ही ना जाए जब ज़मीन में, ये नीचे ज़मीन में जाए और टूट जाए। ये ऊपर ढक्कन है। ये तकरीबन रेल हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसका थोड़ा ही काम रहता है बाकी।
ये पहिए वगैरह जो कि एक मोटा मोटा मेन फ्रेम था वो हमारा तैयार हो गया है। ये देखें ये निशान होते हैं जो ड्रिल के, ये साइड पर ये राड लगा कर ना इनको लगा लेना। ये दो निशान होते हैं जो देहाती लोग हैं वो तो बखूबी जानते हैं। ये देखें ये आपने लगा लेने हैं दोनों निशान। ये भी उसी प्लाई के बना लेने हैं या किसी और प्लास्टिक के बना लें वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही बना लें। ये देखें, और इसके बाद हम इसको कलर करेंगे। तो ये हमने टेप लगा ली है टापे के ऊपर, टायरों के ऊपर, और पीछे जो छोटी छोटी लरें थी, ताकि सारा यकमोश्त रंग ना हो, फिर बुरी लगेगी, कुछ ना कुछ इसका ओरिजिनल रंग भी हो। तो आपने भी इसी तरह टेप लगा लेनी है और इसके ऊपर ये स्प्रे वाला रंग कर लेना, जिस कलर का रंग आपको अच्छा लगे, रेड भाई, सुर्ख या ब्लैक या जो भी आपको अच्छा लगे। तो हम इसको नीला कलर कर रहे हैं, ब्लू कलर, अच्छी तरह कलर लगाना है ताकि फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उतर ही ना जाए। वैसे ये गत्ता है और गत्ते के ऊपर रंग बहुत चिमट कर ही रहता है, उतरता नहीं है जहाँ भी लग जाए। और अच्छी तरह इसको कर लेना है साइडों से, नीचे ऊपर से, जहाँ भी जगह बचती है वहाँ अच्छी तरह इसे रंग करना है। और इसको रंग करने के बाद धूप के ऊपर रख देना ताकि ये सूख जाए। तो 15-20 मिनट धूप के ऊपर पड़े रहने के बाद हमने इसे अब उठा लिया है, और अब यहाँ हम इसकी टेप उतार देंगे। ये देखें जब टेप उतारेंगे तो इसका ओरिजिनल कलर ही नीचे से नज़र आएगा। ये देखें बहुत ही अच्छी लुक आएगी जब सारी हम टेप उतार लेंगे। तो हमने ये जो पीछे टेप लगाई थी इसको हम उतारेंगे। ये देखें बहुत ही अच्छा कलर आपको नज़र आएगा, क्योंकि अगर टेप ना लगाते तो फिर सो बुरी लगती, क्योंकि सारा कलर ये एक होता। ये देखें टायरों के ऊपर हमने टायर लगाया ना, लगाई सी टेप, ताकि उनका रंग ब्लैक ही रहे। तो हम टायरों के ऊपर से भी रंग उतार लेंगे आसानी से, आराम से उतारनी है ताकि कोई शे टूट ही ना जाए। ये देखें ये आपके सामने ड्रिल तैयार है, ये गाड़ी के पीछे दे देनी है आपने। ये निशान एक दोनों निशान ही इधर उधर कर देना। बाकी कमेंट में आपने ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और ये भी बताना है कि अगली वीडियो हम किस चीज़ की बनाएं।